और चलिए शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम आज का मुद्दा की। मैं हूं गरिमा आपके साथ। आज का मुद्दा में हम बात करेंगे बीजेपी सांसद की। जी हाँ, इलाहाबाद से जनाब सांसद हैं और उनका जो गजब ज्ञान है उस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह का ज्ञान कैसे लोगों का ज्ञान बढ़ा रहा है। इलाहाबाद शहर जो सूखे की मार से परेशान है, वहां तमाम किसान पहुंचे थे सांसद महोदय के पास और चाहते थे कि वो पानी का कोई इंतजाम करें, लेकिन श्याम चरण गुप्ता साहब उन्हें पानी का कोई इंतजाम तो नहीं दे पाए, लेकिन हाँ उन्होंने सीधे इंद्र देवता को मनाने के लिए यज्ञ का तरीका सुझा दिया। यज्ञ के इसी आयोजन में सांसद महोदय ने महिलाओं पर एक अभद्र टिप्पणी भी कर डाली। ये तमाम चीजें हम आपको सुनाएंगे भी कि क्या बयान है श्याम चरण गुप्ता साहब का और इसके मायने क्या है, क्या सांसद के पद पर बैठा कोई शख्स इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर सकता है और उसकी फिर मनोदशा क्या है। ये एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करते। लेकिन दूध नहीं देती, ऐसी सुंदर महिला भी किस काम की जो बच्चों को भोजन न दे पाए, बच्चे न पैदा करे, ऐसा घोड़ा किस काम का जिसका कितनी भी अच्छी पूछ हो दौड़ता ना हो, अरे ऐसे पागल किस काम के जिसमें पानी ना हो। हे भगवान, तुमसे भी नाराजगी हमारी, बादल को पानी वाला बादल बना दो। सुना आपने, न मर्यादाओं का मान न महिलाओं को सम्मान। ये साहब है इलाहाबाद से बीजेपी सांसद श्याम चरण गुप्ता। जानते हैं क्यों गुप्ता जी ने बेलगाम जुबान से फहराई ऐसी पताका, क्यों महिलाओं के लिए बोली भद्दी भाषा? दरअसल सूखे की मार से करहा रहे किसानों ने श्याम चरण गुप्ता से मदद के लिए लगाई थी गुहार। अब सांसद महोदय ने सिंचाई के लिए कोई सुविधा की बजाय टोने टोटके का सजा दिया, तब पोस्टर लगवाए, हफ्तों तक प्रचार करवाया, बसों में भरकर भीड़ को बुलाया, बारिश के लिए यज्ञ हवन का आयोजन कराया और इसी आयोजन में महिलाओं का भी कर दिया अपमान। न कोई शर्म न कोई लिहाज, बस बेतुके लफ्जों का लब्बो लुआ। फिर से सुनिए जरा। ऐसी भैंस किस काम की जिसके बहुत ही अच्छे सींग हो लेकिन दूध नहीं देती, ऐसी सुंदर महिला भी किस काम की जो बच्चों को भोजन न दे पाए, बच्चे न पैदा करे, ऐसा घोड़ा किस काम का जिसका कितनी भी अच्छी पूछ हो दौड़ता ना हो, अरे ऐसे पागल किस काम के जिसमें पानी ना हो। हे भगवान, तुमसे भी नाराजगी हमारी, बादल को पानी वाला बादल बना दो। बहरहाल पीएम मोदी जहां डिजिटल इंडिया और विज्ञान के ज्ञान से आधुनिक भारत की आधारशिला जमा रहे हैं, वहीं बीजेपी सांसद श्याम चरण गुप्ता टोटकों के टेंट लगवाकर महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। किसानों की बेबसी पर बयानों की ये बेशर्मी, आखिर क्यों शर्म किसी को आती नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो श्याम चरण गुप्ता साहब सांसद हैं, जनता ने उन पर भरोसा जाहिर किया और इसी वजह से वो आज इस पद पर काबिज हैं, लेकिन क्या इस तरह की सोच कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति उनकी मनोदशा को बताती है? जिस तरह से वो तमाम चीजें कहते हुए आज नजर आए, क्या वाकई इस पद पर बैठे हुए शख्स को इस तरह की बातें करना शोभा देता है? हमारे साथ आज पैनल में जुड़ रहे हैं रामनिवास यादव हैं, बीजेपी से हैं, आसिम वकार साहब हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, आमिर हैदर साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं और इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर पांडे जी जुड़ रहे हैं। आप सभी पैनलिस्ट का स्वागत करते हुए, इस्तकबाल करते हुए मैं इस चर्चा को शुरू करना चाहूंगी और सबसे पहले जवाब बीजेपी की ही तरफ से। रामनिवास यादव साहब, पहला सवाल आप ही से कि क्या पार्टी का स्टैंड है उनके इस बयान के बाद? क्या पार्टी इस बयान पर उनके उनका सपोर्ट करती है? किस तरह की स्ट्रैटेजी और रिएक्शन बीजेपी का? नहीं गरिमा जी, बहुत स्पष्ट है जी कि कोई इतने महत्वपूर्ण पद पर हो जिसको जनता ने निर्वाचित किया हो तो उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। लेकिन जहां तक उनके बयान की बात है, ये उनका बयान नहीं, उन्होंने एक कहावत कही जी। उसमें जैसे भैंस पे कहा, बादल पे कहा, कई चीजों कहा जी, जी। तो जैसे आप बैठ खाली महिलाओं पे कर रहे हैं,
तो ये महिलाओं पे उनका अपमानित करने का ऐसा कोई बयान बात तो आई है ना, वो तो बात तो आई। देखिए हम वही कहावत में एक सुंदर नारी का भी वर्णन हो गया रामनिवास जी, हम वही कहावत वही बात तो हम अपने मुंह से कहते हैं ना, जिसका महिलाओं के प्रति कोई अभद्र जो हमारे, देखिए वही बात हम अपनी जबान से कहते हैं जो हमारे जहन में कहीं गहरे बैठी होती है। जैसे तुलसीदास जी ने भी कहा, ढोल गंवार शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ये गलत है, मतलब इस तरह नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने जैसे कई चीजों का उन्होंने कहा, भैंस का, बादल का, वहीं पे सुंदर नारी का, तो ये एक उदाहरण है, उन्होंने उदाहरण दिया। उदाहरण देखिए, उदाहरण हमेशा अच्छी चीजों के दिए जाते हैं ना रामनिवास जी, उदाहरण तो अच्छी चीजों के दिए जाते हैं, उदाहरण तो अच्छी चीजों के दिए जाते हैं। उन्होंने दिया चार पांच चीजों पे दिया, उसी में एक निश्चित रूप से वो उनको नहीं बोलना चाहिए था। अब ये है कि उन्होंने दिया जो है, उन्होंने उदाहरण दिया, उदाहरण में सुंदर नारी कहा गया, जिसको मीडिया बंधु आप सब लोगों ने उसको गलत ट्रैक पे, ऐसा उनका कोई ऐसी मंशा नहीं थी, और उन्होंने तो उनका अपना एक बहुत अच्छे सांसद हैं, बहुत पुराने हैं, काबिल हैं, कभी ऐसा होता नहीं है। अब उन्होंने उदाहरण दिया, उदाहरण में शब्द आ गया, उसको आपने देखिए, आप दोनों चीजें कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप दोनों चीजें कह रहे हैं, आप दोनों चीजों को क्लब मत कीजिए, संस्कृति रामनिवास जी, आप दोनों चीजों को क्लब मत कीजिए, आप दोनों चीजों को मुख्तलिफ सम्मान की है जी, आप दोनों चीजों को मुख्तलिफ रखते हुए बात कीजिए कि क्या रामनिवास जी ने जो कहा उसका पार्टी सपोर्ट करती है, या फिर जो रामनिवास जी ने कहा, माफ कीजिएगा, जो सांसद साहब ने कहा उसका पार्टी विरोध करती है, आप स्टैंड क्लियर कीजिए ना। नहीं जी गरिमा जी, देखिए बहुत स्पष्ट है कि ये उनका अपना व्यक्तिगत, उनके मुंह से निकला शब्द है, ये कोई पार्टी का स्टैंड नहीं है, पार्टी कभी भी ऐसे शब्दों का जो है समर्थन नहीं करती है। तो कोई कार्रवाई होगी, लेकिन रही बात उनके बोलने की, उन्होंने उदाहरण दिया, उदाहरण में चार पांच चीजों कहा, अब उसे में आपने एक शब्द को पकड़ लिया, उन्होंने ये गलत बोल दिया, तो बात तो वही है, आप फिर से कि कहीं आप उल्लेख नहीं कर रहे हैं, आप फिर से दोनों चीजों को क्लब कर रहे हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में, रामनिवास जी, हमने अपनी रिपोर्ट में बाकायदा तमाम चीजें दिखाई हैं, जो भी बयान उन्होंने दिया, उन्होंने भैंस को कहा, घोड़े को कहा, बादल को कहा, सारी चीजें हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाई हैं, लेकिन हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि जो भी उदाहरण उन्होंने दिया क्या वो जायज है, क्या महिलाएं वाकई सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए हैं, क्या उनकी सुंदरता के फिर कोई मायने नहीं है, उनके व्यक्तित्व के, उनकी प्रेजेंस के, उनकी एग्जिस्टेंस के फिर कोई मायने नहीं है अगर वो बच्चा पैदा नहीं करती, सवाल सीधे ये है। नहीं नहीं जी गरिमा जी, बहुत सही बात आपकी है कि ऐसी चीजों से सांसद जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन कभी कभी आदमी उदाहरण देता है, उदाहरण में सारे नाम ले लेता है। चलिए आप फिर से वहीं आ रहे हैं, चार चीजें कही, आप फिर से वहीं आ रहे हैं, की बात को बार बार कह रही। नहीं आप फिर से वहीं आ रहे हैं, मैं तो ये समझना चाहती हूँ, पार्टी के सांसद हैं, कभी इनकी ऐसी मंशा नहीं रहती है किसी महिला का या किसी का भी अपमानित करने का, उसको उसके मान सम्मान ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य रहता हो। अब उन्होंने एक उदाहरण दिया, उदाहरण में एक शब्द निकल गया, अब उस पर अगर पूरा मुद्दा बनाया जाए तो मैं उचित नहीं समझता हूँ। अगर कोई देखिए, वो ऐसे पद पर काबिज है, रामनिवास जी वो ऐसे पद पर काबिज है कि उनकी कहीं उनकी जबान से निकला हुआ हर शब्द छोड़िए, आप वहीं पर अभी, आप वहीं पर अभी टिके हुए हैं, आप स्टैंड अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस से अमीर हैदर साहब हमारे साथ हैं, हम उनको भी चर्चा में शामिल कर लें। अमीर हैदर साहब, इस पर आपका रिएक्शन है? तो कहीं कहीं गलत है, मैं समझता हूँ शब्द गलत है जी, लेकिन उनकी मंशा ऐसी नहीं थी, मंशा उनकी एक उदाहरण देने की थी, उदाहरण में उन्होंने नाम ले लिया। पहली दफा वो ऐसा नहीं कह रहे हैं, इसके पहले भी उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं, तो पार्टी का स्टैंड क्या होगा? क्या पार्टी उन्हें ताकीद करेगी, नसीहत देगी? आवाज नहीं आ रही, चलिए नहीं सुन पा रहे हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अमीर हैदर साहब हैं, हम उनको भी चर्चा में शामिल कर लें। अमीर हैदर साहब, इस पर आपका रिएक्शन? ऐसा है कि आजकल राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि काम करने की जगह रह नहीं गई है कि सेवा करो, आज तो सेवन करने के आते हैं पब्लिक का, ये ऐसे ही लोग हैं जो इतने खराब, और जो सबसे खराब बात है, अभी इनके साथी कह रहे थे और उनका बचाव कर रहे थे, बुरा भी कह रहे थे, बचाव भी कर रहे थे, आप क्या हैं? इसलिए कि कल आप उनको कह रहे थे कि वो ये कहा नहीं कहना चाहिए था, ये इसलिए ये आपके आचरण बता रहे हैं, आप सबसे बुरी बातें पुराने बता रहे हैं, नए कोई कहता है गलती से निकल गया। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे स्त्री समाज का
अपमान किया है जी। और उन औरतों से पूछिए जो किसी वजह से यह प्रकृति का मामला है जी। कि वो मान रहती है कितने मर्डर हो रहे हैं, इस पर के सवाल मार डालता है, सास मार डालती है कि वो बच्चा नहीं पैदा हुआ, उसके बाद आप किस तरह का बयान दे रहे हैं, हैदर साहब लोगों को बढ़ा रहे हैं। हैदर साहब, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आज अजहर मसूद वहाँ गिरफ्तार हुआ है, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए ताकि समाज में हिम्मत पड़े से बदतमीजी करने की। ये राजनीतिक नहीं है। आप इस चीज को हैदर साहब मानते हैं कि इस तरह के लोग, हम भले ही श्याम चरण गुप्ता जी की बात कर रहे हैं लेकिन इस तरह के लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीजेपी में है, हर पार्टी में इस तरह के लोगों की एक पूरी बड़ी बीजेपी की बात कर रहा हूँ। अभी बीजेपी के लोग बहुत उल्टे सीधे बोलते रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। और मैं जिस पार्टी में भी ऐसा आदमी हूँ, मैं समझता हूँ उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए, तभी इस देश के अंदर राजनीति साफ सुथरी थोड़ी होगी। एक जमाने में राजनीति होती थी, बड़े साफ सुथरी बात करते थे। हैदर साहब, हम आज के प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस में ऐसे लोग नहीं है? मैं ये नहीं कहता, मैं उसकी सवाल नहीं दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ हर एक में है, उनके हर एक से साथ करना चाहिए। लेकिन आज ये मौजूदा जो मसला आप कह रही हैं, मैं इसके बारे में कह रहा हूँ, तो कार्रवाई होनी चाहिए। खराब टिप्पणी किया है, चलिए अपने मैं समझता हूँ सख्त सख्त एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे दो और पैनलिस्ट हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं और उन्होंने कहा, मिसाल दिया, हम उनको इस चर्चा में इंक्लूड करेंगे। पहले क्विक रिएक्शन, फिर से रामविलास जी, क्या पार्टी कार्रवाई करेगी? ये पहली दफा क्योंकि नहीं है गुप्ता साहब, इसके पहले भी भले ही वो बीड़ी पीने को लेकर, WHO की रिपोर्ट को लेकर सवाल पहले भी वो उठा चुके हैं, इस तरह के बयान आप जो कि विवादित रहे हैं उनकी तरफ से पहले भी आए हैं। तो अब पार्टी क्या करते हैं लोग मीडिया में रहने के लिए, कुछ करना धरना है नहीं जी। रामनिवास जी, नहीं गरिमा जी आपने जो मुद्दा उठाया है सही है आपकी बात, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई जरूरत है, क्योंकि उन्होंने एक उदाहरण दिया, किसी उदाहरण जनता के प्रतिनिधि के तौर पर जनता के ही सामने बैठे हैं। आप अभी भी गुंजाइश देख रहे हैं, आप अभी भी नहीं ये मान रहे हैं कि पार्टी को कार्रवाई करने की जरूरत है? कम से कम ऐसे बयानात से तो वो लोग बचे जो जिम्मेदार ओहदों पर बैठे हैं। नहीं नहीं गरिमा जी, देखिए बहुत स्पष्ट है कि ऐसा उनका ना कोई इनकी सोच है ना कोई ऐसी मंशा है, बहुत स्पष्ट है। जब उनकी मंशा नहीं, सोच नहीं, अगर कोई उदाहरण दिया, मुझे हंसी आ रही निकल गया। देखिए मुझे पांच शब्द उन्होंने बोले, शब्दों को आप नहीं दिखा रही, आप कैसे तय करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सांसद, आप पॉलीग्राफी टेस्ट करेंगे, आप नार्को टेस्ट करेंगे उनकी मंशा को जानने के लिए? उन्होंने ऐसी भाषा नहीं, जो बयान उनकी तरफ से आया है क्या उसे गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं माना जाए? किससे पूछा है आपने ये? मैं रामनिवास जी की बात कर रही हूँ, अभी भी ये मानते हैं कि कार्रवाई की जरूरत नहीं है, ताकि सही नहीं है, नहीं है। लेकिन एक आजकल बयान इनके यहाँ से ऐसे ही आ ही रहे हैं, बयान की जरूरत नहीं है कोई कार्रवाई की। चलिए आसिम वकार साहब को जोड़ लेते हैं, वकार साहब आपका इस पर रिएक्शन? देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अगर उदाहरण भी दे रहे हैं तो उदाहरण में भी भाषा का और शब्दों का बहुत ही चुनाव सही तरीके से होना चाहिए, और कोई भी किसी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए जैसे किसी वर्ग विशेष का या किसी जाति विशेष का या किसी महिला का या किसी और का अपमान हो जी। तो ऊपर वाले ने हमको जबान दिमाग के नीचे लगा के दी है और 32 दांतों को पहरे में रखी है कि पहले सोच लो, उसके बाद जब जरूरत हो तो बोलो। लेकिन इन्हीं ने उदाहरण में भी अगर इस तरह की बात की है तो ये एक नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं समझता हूँ सभी महिलाओं को इनका, श्यामा गुप्ता जी जो है इनका घेराव करना चाहिए, इनसे माफी मंगवाना चाहिए, और अगर इनके बयान का कोई समर्थन करता है रामनिवास यादव जैसे लोग तो इनका भी घेराव होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि आप जिस ओहदे पर बैठे हैं कम से कम उसका ख्याल करें, और आप एक पुराने राजनीतिज्ञ हैं, पुराने सियासतदान हैं, आप ये बखूबी जानते हैं कि आपके कहे गए अल्फाज के मायने क्या होते हैं। रामेश्वर पांडे जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं। पांडे जी, ये पूरी चर्चा अभी तक जहां तक पहुंची है आप जरूर सुन पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे, रामनिवास जी अभी भी ये मानने के लिए तैयार हैं नहीं है कि पार्टी को कोई ताकीद या नसीहत देने की जरूरत है इस तरह के तमाम लोगों को, सिर्फ गुप्ता साहब को नहीं? देखिए पहली बात तो ये है कि किसी सभ्य आदमी के लिए
इस तरह की भाषा और महिलाओं के बारे में ये टिप्पणी बहुत ही निंदनीय है, इस पर चर्चा करने की कोई बात ही नहीं है जी। लेकिन एक सांसद, एक वरिष्ठ पदाधिकारी अगर यह बात कहता है तो इसको पार्टी को भी संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि पार्टी की मंशा नहीं है कि इस तरह की भाषा हो। यह पुरुष मानसिकता है, पुरुष का प्रभुत्व है और उस मानसिकता में बातें निकलती है और अनजाने में नहीं निकलती जी। तो पार्टी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और निश्चित तौर पर उनको ताकीद करना चाहिए, उन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। क्योंकि जो लोग समाज के नुमाइंदे हैं, जो लोग संसद में नुमाइंदगी करते हैं, जो जिनसे उम्मीद है कि जनता के बात करेंगे, उनकी बात तो आम जनता तक अगर इस तरह जाए तो इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। राम निवास जी, तमाम सवालों के बावजूद रामेश्वर जी, कोई भी सभ्य आदमी इसको डिफेंड नहीं करेगा जी, रामेश्वर जी, भाजपा का सिर्फ नेतृत्व तो इसको डिफेंड नहीं करेगा। इसलिए राम निवास जी, हैरत ये है कि यह क्यों नहीं मान रहे हैं कि यह गलती हो गई। उदाहरण भी ऐसा क्यों दिया जिससे महिलाओं का अपमान हो। राम निवास जी, आपके लिए सवाल है रामेश्वर जी का। नहीं गरिमा जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, उदाहरण में क्या कोई किसी को इतनी छूट होना चाहिए कि वो गाली गलौज तक पे आमादा हो जाए, सबको जाकर बना दिया इस तरह की भाषा। और खासतौर से तब जब आप एक जिम्मेदार ओहदे पर है। रामनिवास जी, रामेश्वर जी ने सवाल किया है कि क्यों आप अब भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस तरह के तमाम लोगों को, हम सिर्फ गुप्ता साहब की बात नहीं कर रहे हैं, इस तरह के तमाम लोगों को कम से कम एक बेसिक ट्रेनिंग तो हो कि आप जिस जिम्मेदार ओहदे पर हैं उस पर क्या कहें और क्या न कहें। नहीं गरिमा जी, बहुत सही बात आपकी है, रामेश्वर जी ने भी बहुत सही बात बताई। ये बात सच है कि जो सीनियर लोग रहते हैं उनको सोचना चाहिए, लेकिन कभी कभी जब आदमी मंच पे होता है, उदाहरण देने लगता है, उदाहरण में तो शब्द निकल गया, इसका मतलब इतना बड़ा अपराध उनका नहीं हो गया कि पार्टी को कार्रवाई करने। और निश्चित रूप से जो उनका शब्द आया है, पार्टी के हमारे सीनियर लोग समझदार हैं, उससे बातचीत कर रहे होंगे, उससे पूछ रहे होंगे, इसलिए इसके लिए माफी मांगी। क्या लोग ऐसे है, क्या उन्हें उनसे गलती हो गई का अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं भाई, क्या कभी लोगों ने कहा कि श्यामा चरण गुप्ता जी को अभी एहसास हुआ, उन्होंने माफी मांगी मीडिया में। यही सवाल मेरा है पार्टी से, नहीं है रामनिवास जी, और यही सवाल मेरा है जो रामेश्वर जी कह रहे हैं, बचाव कर रहे हैं आप, उनका इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए, इनकरेज कर रहे हैं। अब वो इनिशिएटिव लेके सामने नहीं आ सकते कि वो स्लिप ऑफ टंग था या फिर जो भी वजूहत रहे हो, क्या अब वो इनिशिएटिव लेके सामने नहीं आना चाहिए? जब ऐसे बचाव कर रहे हैं लोग तो उनकी हिम्मत बढ़वाएगी और बढ़वाएगी, उल्टे सीधे गाली पकड़ेगी। मजी देखिए, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या उनसे किसी ने बात किया है कि आप इस पर खेत बेच के नहीं बेच के, क्योंकि वो बहुत सीनियर है, बहुत यादव जी उनकी तरफ से कर गया, लेकिन उन्होंने एक उदाहरण दिया। अब उदाहरण को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया कि इस पर आज डिबेट जरूरत पड़ गई और तमाम साथी बंधुओं को उस पर आलोचना करने जरूरत पड़ गई। रामनिवास बात को समझिए ना, विपक्ष में तमाम ऐसे नेता हैं, इससे बड़े बड़े बहुत शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन आज तक किसी ने कार्रवाई नहीं की। नहीं, आप एक बात नहीं समझ रहे हैं, आप तक अगर मेरी आवाज ठीक तरीके से पहुंच रही है, बात बताइए आप, तो आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे ओहदे का मतलब क्या है, आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। देश की आधी आबादी महिलाओं को कहा जाता है, महिलाएं भी देश की उन्नति में उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं जितने की पुरुष इम्पोर्टेंट हैं, तो क्या आप उस पूरी महिला प्रजाति को गाली नहीं दे रहे हैं कि वो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए है? देखिए, मीडिया में बने रहने के लिए अफसर बोलते हैं लोग जी। गरिमा जी, उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है, रामनिवास जी, मैं पूरी तरह से माफी चाहूंगी, जनता की अदालत में आप इस समय बैठे हैं, कभी भी जो है ऐसी आप अभी भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ कर रहे हैं, शब्द आ गया उसको आपने पकड़ लिया। चलिए, उनकी मंशा नहीं, आप मानने के लिए तैयार नहीं है, आपके आपके जनप्रतिनिधि ने गलती की और आप उस गलती को एंडोर्स कर रहे हैं। सर, अपने तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया करना चाहूंगी, आपने वक्त निकाला हमारे पैनल के लिए, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज का मुद्दा में अभी के लिए इतना ही, लेकिन बीजेपी किसी कीमत पर यह मानने के लिए तैयार नहीं कि एक जिम्मेदार सांसद ने गैर जिम्मेदाराना बात कही है और कम से कम उसे ताकीद या नसीहत बनती है। नमस्कार।